कन्नौज जिले के तालाग्राम थाना के नरुईया गांव में बीते 14 दिसंबर को भाजपा नेता व पूर्व प्रधान अरुण साके को बंधक बनाकर पीट पीट कर हत्या करने वाले मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। दो दिन पहले समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला था। रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मृतक के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर धाड़स बधाया, साथ ही 15 लाख रुपए की चेक सौंप कर आर्थिक मदद की, जिसमें 10 लाख रुपए सरकार व 5 लाख रुपए जनप्रतिनिधियों की ओर आर्थिक मदद मुहैया कराई गई है। मीडिया से बात करते हुए सपा पर जमकर हमला बोला, कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते हुए कहा कि जो अपराधियों के साथ खड़े हैं वह परिजनों से मिलने के लिए आए हैं, उन्हें सोचना चाहिए। कहा कि जिन्होंने हत्या की वह समाजवादी पार्टी के चिन्हित अपराधी थे। समाजवादी का चरित्र है, उस चरित्र का एक दृष्टांत पूरे उत्तर प्रदेश 2004 का है, जब इसी जिले के नीरज मिश्रा कार्यकर्ता की हत्या करने की घटना हुई थी, और उसका दूसरा रूप यहां पर देखने और सुनने को मिल रहा है। समाजवादी प्रतिनिधि मंडल के मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उनके बारे में बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। ऐसे लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए कि एक अपराधी की पार्टी में रहकर ऐसे परिवार के बीच में आने का प्रयास किए हैं, शायद उनको नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है। समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है, अब वह समाप्तवादी पार्टी बन गई है। जनपद कन्नौज के इस गांव में आने का कोई सुखद समय नहीं था। एक बहुत ही निर्मम, एक बहुत ही दुखद और एक बहुत ही अमानवीय तरीके से यहाँ के पूर्व प्रधान अरुण साक जी की हत्या के समाचार मुझे जब मैं भारत के बाहर था तभी प्राप्त हुए थे। लेकिन यह बहुत ही दुखद और पीड़ाजनक घटना जो अरुण साक जी जो यहाँ के पूर्व प्रधान थे हुई है, वह समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, समाजवादी पार्टी के चिन्हित अपराधी थे, और समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उस चरित्र का एक दृष्टांत पूरे उत्तर प्रदेश में 2004 का है, जब इसी जिले के अंदर नीरज मिश्रा जी नाम के एक कार्यकर्ता की हत्या करने की घटना हुई थी, और उसका यह दूसरा रूप जो इस समय यहाँ पर देखने को सुनने को और सारी परिस्थितियों को आज जानने के बाद ऐसा लगता है कि इस प्रकार के अपराधी हैं, इस प्रकार से अपराधियों का मतलब दुस्साहस हुआ है, जिसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिसने भी अपराध में हिस्सा लिया है हर अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कानून के अनुसार पुलिस के द्वारा की जाएगी। और इस प्रकार का अपराध ना जनपद कन्नौज में और ना ही उत्तर प्रदेश में कहीं कोई करेगा तो निश्चित तौर से वह समझ ले कि अब यहाँ अपराध करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोगों से मैं मिला हूँ, यहाँ के हमारे दोनों माननीय विधायक भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं और सब पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, सबके साथ मिला हूं। और प्रदेश सरकार की ओर से यद्यपि ये कोई बताने की चीज़ नहीं है लेकिन 10 लाख रुपए की अभी परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराई है। यहां पार्टी के लोगों ने अपनी तरफ से भी 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई है। और यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पूरी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, और ऐसे लोगों को तो शर्मिंदा होना चाहिए कि एक अपराधियों की पार्टी में रह करके वह ऐसे परिवार के बीच आने का प्रयास किए हैं जो शायद उनको नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है। और वह क्या कहते हैं उस पर मुझे जवाब देना आवश्यक नहीं लगता है, लेकिन यह ज़रूर मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी मतलब अपराधियों की पार्टी और समाजवादी पार्टी मतलब अब समाप्त होने वाली पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध नहीं चाहता है, उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, सुशासन चाहता है। धन्यवाद।